क्या हमने एग्रेंडाइज सुना हुआ है, रेवरब्रेड सुना हुआ है, एक्स्ट्रापोलेशन का मीनिंग पता है, व्हाट इज एबोमिनेबल, डू वी अंडरस्टैंड एबोमिनेबल, ब्लेंडिशमेंट, ये सारे वर्ड्स मैं आपको दिखा रहा हूँ जो बार बार न्यूज़पेपर में दिखाई देते हैं बट हमें डिक्शनरी खोलने पर मजबूर करते हैं। तो मैं आपको ये वर्ड दिखा के डराऊंगा नहीं ज्यादा, मैं सीधा आपको बताऊंगा भाई इसका फॉर्मूला क्या है, वेंट्रिलोक्विस्ट और इमेंसिपेट होता क्या है। है हुलीगन, हुलीगन का मीनिंग होता है बदमाश। भाई हिंदी में बदमाश तो सुना है, मुझे लगता है रास्कल भी जरूर सुना होगा। लाउट आज आपको सुना देते हैं, ये इसका सिनोनिम, ये इसके समानार्थक शब्द है, ठीक है। तो हुलीगन हुलीगन हुलीगन, ये वर्ड कैसे याद होगा अगर मैं इसके लिए पिक्चर या इसकी टेक्निक ना बताऊं तो ये आपको याद नहीं होगा। बट ये देखिए, अब मैं आपको इसके लिए एक पिक्चर दिखाऊंगा, क्या दिखाई दे रहा है, गन 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 क्या होती है, गन। तो ये देखिए गन वाला आदमी हुलीगन है, ये गन वाला आदमी हुलीगन है। आप देख पा रहे हैं ये जो गन है ना, गन ये हमारा लिंक वर्ड है, ठीक है, और ये हुलीगन हमारा मेन वर्ड है, फाइन। तो ये गन वाला आदमी हुलीगन, तो आप अपने वर्ड के आगे लिख दो जी गन लिंक वर्ड है, बस इतना ही करना है, आपको ये वर्ड हो जाएगा पक्का पक्का और पक्का याद। और अगर मजा आए तो बता देना, आ रहा है ना आए तो भी बता देना, ओके। मैं मान ही नहीं सकता आपको ये वर्ड याद ना हो, मान ही नहीं सकता। चलिए आगे बढ़ते हैं, बस इतनी देर में एक वर्ड याद करेंगे, इससे ज्यादा टाइम हम नहीं देंगे आपको। रेवनस, अनेक्स्ट वर्ड इज रेवनस, याद रखिएगा हर पांच वर्ड के बाद मैं इनका रिविजन कराऊंगा। जो लोग लेट आ रहे हैं दे आर वेलकम, आप सभी का स्वागत है जो लोग अभी अभी आए। देखिए रेवनस का मीनिंग होता है हंग्री, एक्सट्रीमली हंग्री, भूखा। यार दोपहर को मैंने खाना नहीं खाया था, अभी आपकी क्लास ले रहा हूं और एक क्लास जैसे ही खत्म होगी मैं, मुझे बहुत भूख लगेगी और मैं अपनी मदर को क्या बोलूंगा, आई एम रेवनस, आई एम एक्सट्रीमली हंग्री, मैं बहुत भूखा हूं। अब देखिए हंग्री वर्ड तो हमें बचपन से सुनने को मिलता है, परंतु आपको पता है द हिंदू न्यूज़पेपर में, टाइम्स ऑफ इंडिया में, हिंदुस्तान टाइम्स में, द ट्रिब्यून में हंग्री यूज ही नहीं होता, उसमें रेवनस कहता है, बच्चों को समझ ही नहीं आता, बच्चे क्या बोलते हैं, न्यूज़पेपर मुश्किल है। भाई साहब मैं इंग्लिश मीडियम के बच्चों की भी बात कर रहा हूँ, या हिंदी मीडियम वाले निराश मत होना कि भाई हमें नहीं आती इंग्लिश, इन्हें आती है, कॉन्वेंट स्कूल के बच्चे बैठे हैं उनसे पूछ लो, रेवनस उन्हें नहीं पता होता, और इसलिए इंग्लिश न्यूज़पेपर मुश्किल है। तो देखिए याद कैसे करना है, रेवनस में आपको दिखाई दे रहा है रावण, रावण रावण रावण, तो रावण इज रेवनस, यहां देखिए कितना हंग्री है, कितना खाना खा रहा है, तो रावण इज रेवनस। ये लालची के लिए भी यूज होता है वैसे, भूखा लालची, तो रावण इज रेवनस, बस इतना ही लिखना है, लिंक वर्ड में लिख दो रावण, आपको इससे ज्यादा मेहनत नहीं करनी क्योंकि रावण हमारा लिंक वर्ड है। अच्छा बच्चों एक चीज और बताता हूं, अभी मैं आपको कुछ वर्ड याद कराऊंगा और फिर मैं आपको सिनोनिम्स भी याद कराऊंगा, हमारी सिनोनिम्स की भी एक टेक्निक है, ओके। तो ये रहा अगला वर्ड, गोरी, सुना है कभी ये वर्ड, शाहरुख खान की वाइफ का नाम है गोरी, है ना जी, नहीं वो तो हिंदी का नाम है गोरा काला, ठीक है। ये गोरी इंग्लिश का भी वर्ड है जिसका मीनिंग होता है हिंसक, वायलेंट, हिंसक तो सुना हुआ है शायद आपने, वायलेंट भी सुना हो, है ना। तो आज आपने सुन लिया गोरी, और कैसे याद करेंगे हिंसक के लिए, अब शाहरुख की वाइफ तो हिंसक नहीं है तो हम क्या करेंगे जी, तो पॉजिटिव नेगेटिव लेते हैं, मोहम्मद गोरी, मोहम्मद गोरी ने लड़ी थी गोरी वॉर्स, मोहम्मद गोरी ने लड़ी थी गोरी वॉर्स, गोरी गोरी, ठीक है ना। तो ये गोरी मोहम्मद गोरी हो गया हमारा लिंक, आप लिख सकते हैं हर वर्ड के आगे लिंक इज गोरी, और ये जो गोरी है ये हो गया हमारा मेन वर्ड जिसका मीनिंग है वॉयलेंट, हिंसक। तो भाई मैंने आपको तीन वर्ड कराए हैं, अभी मैं आपसे पूछने वाला हूं पांच के बाद, ठीक है, रेडी हो जाइए। अगला वर्ड है हमारा कैट कॉल, भाई कैट कॉल का मीनिंग है आलोचना, चीर, क्रिटिसाइज। मैं आपको एक चीज बता दूं बच्चों, क्रिटिसाइज वर्ड द हिंदू यूज नहीं करता, ना के बराबर, 1 या 2%, वो कैट कॉल यूज करेगा, वो कास्टिकेट यूज करेगा, वो कार्पिंग यूज करेगा, वो डिनाउंस यूज करेगा, वो इसके लिए पता नहीं 22 वर्ड होते हैं वो यूज करता है, बच्चों को सिर्फ क्रिटिसाइज आता है, उन्हें पता ही नहीं चलता। अच्छा कैसे करेंगे जी,
बीजेपी कांग्रेस की, कांग्रेस आम आदमी की, आम आदमी एसपी, एसपी बीएसपी की, बीएसपी शिवसेना की क्या करती है, आलोचना करती है, तो हमारा न्यूज़पेपर तो भरा होता है। कंगना रनौत कैटकॉल शिवसेना, शिवसेना कैटकॉल रिया। आपने रिया का नाम सुना है कभी? रिया चक्रवर्ती, पहले लोग मिथुन चक्रवर्ती करते थे, अब रिया चक्रवर्ती करते हैं। मिथुन चक्रवर्ती ने लाइफ में इतना नाम नहीं कमाया जितना रिया चक्रवर्ती एक महीने में कमा गई, परंतु बदनामी से है ना कैट कॉल हो रही है उसकी, आलोचना। फाइन, तो चलिए कैसे करेंगे, इसे याद कैसे करना है, ये मुद्दा पहले का है। रिया का मुद्दा हम बनाएंगे तो हमारा चैनल बूस्ट नहीं करेगा, इसे यही रहने दो, है ना। तो कैट और कॉल दो बार दिखाई दे रहे हैं भाई, कैट ना कॉल कर रही है, ये देखिए कैट क्या कर रही है, कॉल कर रही है मोदी जी को, प्राइम मिनिस्टर जी को, क्या कह रही है, आपने इस देश की बिल्लियों के लिए कुछ नहीं किया है। कैट कॉल कर रही है, कैट कॉल कर रही है, कैट इज कॉलिंग, ये हमारा लिंक वर्ड हो गया, कैट इज कॉलिंग। और क्यों कॉल कर रही है जी, कैट कॉल शो कर रही है, कैट कॉल कर रही है, कैट कॉल शो करने के लिए, आलोचना करने के लिए, हमारी मांगे पूरी करो, बिल्लियों का ध्यान रखो, कोरोना के युग में बिल्लियों को किसी ने नहीं पूछा, तो कैट कॉल ये हमारा लिंक वर्ड है, कैट कॉल हमारा मेन वर्ड है। आशा करते हैं आपको ये वर्ड्स याद हो रहे हैं। अब कैसे पता चलेगा, एक रिवीजन लेते हैं ना, एक वर्ड और फिर रिवीजन करेंगे। देखिएगा हमारा अगला वर्ड है कुदोस, कुदोस का मीनिंग होता है सम्मान, रिगार्ड, रिस्पेक्ट, ऑनर। भाई ऑनर तो सुना होगा, एच ओ एन ओ यू आर, ऑनर, कुदोस। अच्छा एक हिंदी का वर्ड नहीं होता कूदो, कूदो 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 खेलो कूदो, वो हमारा लिंक वर्ड है, कुदोस मिला है तो खुशी से कूदो, कुदोस मिला है तो खुशी से कूदो। जिस दिन आपका एग्जाम क्लियर होगा आपको मिलेगा कुदोस, इंग्लिश में मिलेगा कुदोस, और आप हिंदी में खुशी के मारे कूदोगे, ठीक है। तो भाई ये जो कूदो है ना, ये हमारा लिंक है, लिख दो लिंक, ओके। और अब मेरी बारी है, अभी तक मैं बोल रहा था, अब आप बोलेंगे कमान, कमान रिवाइज करेंगे फाइव वर्ड्स, कमान। देखिए जी हमने आज पढ़ा गोरी, गोरी का मीनिंग क्या याद आ रहा है, कमॉन, आई कैन सी इन द कमेंट्स, गोरी 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 गोरी, यस यस, ठीक है भाई। मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं शिवम सिंह राजपूत, ये बताओ ये किस किस वर्ड के लिए हेल्पफुल है, किस किस एग्जाम के लिए, मैं आपको बता देता हूं, ये एग्जाम सभी एग्जाम्स के लिए, इंग्लिश का कोई भी एग्जाम जो इंडिया के अंदर होगा इट्स हेल्पफुल, और ये टेक्निक आपको सिर्फ यहां मिलेगी, ट्राई कीजिए, और कहीं अवेलेबल नहीं है, आपको इसी का फायदा उठाना है। ये रहा जी कैट कॉल, कैट कॉल का मीनिंग याद आ रहा है, कैट कॉल, कैट कॉल आलोचना, गोरी का मीनिंग था हिंसक, कैट कॉल का मीनिंग क्या है, आलोचना, हुलिगन, गन वाला आदमी क्या था, देवता या बदमाश, बदमाश, ठीक है ना, वेरी गुड वेरी गुड। एंड अगला वर्ड था जी रेमनस, रावण से याद किया था, रावण से याद किया था, क्या था वो, कमॉन कमॉन कमॉन, यस भूखा, यस इट्स भूखा, हंग्री। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कूदो, कूदो खुशी के मारे कूदो, क्योंकि क्या मिला है, ऑनर, रिस्पेक्ट, esteem, रिगार्ड, kudos। ये रहे फाइव वर्ड्स,